हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की वीडियो मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, और इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, इसमें हमें अप्लाई करना है चार पीट्स मेथड। तो चार पीट्स मेथड के द्वारा क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसे मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम इसका सलूशन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसे तुरंत ही देख पाएंगे। तो इससे पहले मैं काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करके बता चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकती हैं। तो हमें गिवन है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, पहले तो हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द गिवन एज पी एक्स वाई प्लस का पी क्यू प्लस का क्यू वाई और माइनस का वाई जेड। इसे हम एक साइड कर लेते हैं तो माइनस में आएगा, माइनस का वाई जेड इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम, जो हमें इक्वेशन गिवन है इसे हम लेट कर लेंगे एफ इक्वल टू। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट। तो एफ इक्वल टू लेट कर लेंगे तो एफ इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस का पी क्यू प्लस का क्यू वाई और माइनस का वाई जेड इक्वल टू जीरो। इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हमें इसमें अप्लाई करना है चार पीट्स मेथड। तो यहाँ हम पहले चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दस दी चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन एच। जो चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो आपको लर्न करनी होगी, क्या होती है, डी एक्स अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस का पी डेल एफ अपॉन डेल पी और माइनस का क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये इक्वेशन होती है चार पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी होगी, जब तक आप इसे लर्न नहीं करेंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे नीचे की वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल पी डेल एफ अपॉन डेल क्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन टू और इसे मान लेते हैं इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन टू से हम उन वैल्यूज को फाइंड करेंगे, इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे, फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन टू से हम इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली देन वी गेट। तो इसे हम इक्वेशन टू को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। तब हमारे पास इन सभी वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे। फिर तो पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हमारे पास देखेंगे तो पी वाई हो जाएगा और ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि इधर हमारा एक्स है नहीं। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई देखेंगे तो हमारा पी एक्स और ये जीरो और इधर हमारा क्यू प्लस का क्यू और फिर माइनस का जेड। इसी तरह से डेल एफ अपॉन डेल जेड देखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो माइनस का वाई। फिर डेल एफ अपॉन डेल पी तो एक्स वाई प्लस का क्यू और इधर हमारे जीरो और फिर डेल एफ अपॉन डेल क्यू।
तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ क्यू है तो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्लस का वाई और इधर क्यू है नहीं तो ये भी जीरो। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गए, इन वैल्यूज को इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन थ्री देन वी गेट। तो इन वैल्यूज को हम इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे। और यहाँ फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट ही पुट करता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ये काफ़ी ईजी होता है पुट करना। तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स अपॉन माइनस का एक्स वाई और माइनस का क्यू हो जाएगा, क्योंकि हम डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। और फिर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का पी माइनस का वाई, और फिर इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस का एक्स वाई पी माइनस का टू पी क्यू और माइनस का वाई क्यू, और फिर डी पी अपॉन जीरो आएगा इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी एक्स प्लस का क्यू माइनस का जेड माइनस का क्यू वाई। तो हमने सभी वैल्यूज को पुट कर लिया, अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन को इजी बनाते हैं, तो इजी बनाने के लिए यहाँ हम पहले उन टर्म को लेकर चलेंगे जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग, ये हमारा फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो हम फोर्थ वाला मेंबर लेकर चलते हैं, तो टेकिंग फोर्थ मेंबर बी गेट। तो फोर्थ मेंबर हमारा क्या है, डी पी अपॉन जीरो इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी पी इक्वल टू जीरो, इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ से देखेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा पी इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, उसे ए मान लेते हैं, तो पी की वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ गई ए। अब पी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फिर हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, पी इक्वल टू ए। अब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ पी इन वन बी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है पी एक्स वाई प्लस का पी क्यू प्लस का क्यू वाई माइनस का वाई जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ पी की वैल्यू पुट करेंगे तो पी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो ए एक्स वाई प्लस का ए क्यू प्लस का क्यू वाई और माइनस का वाई जेड। अब क्यू की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से जब क्यू कॉमन लेंगे तो ए प्लस का वाई हो जाएगा, और इक्वल टू ये हमारा इधर प्लस में आएगा और ये वाला माइनस में आएगा, तो माइनस का ए एक्स वाई। तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे क्यू इक्वल टू, यहाँ से वाई हमारा कॉमन आ रहा है, तो वाई इक्वल टू जेड माइनस का ए एक्स, और अपाउंड में ये हमारा अपाउंड में आ जाएगा ए प्लस का वाई। इस तरह से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। पी और क्यू की वैल्यू हम न्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन टू डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, यहाँ हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास ए, तो ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बाई जेड माइनस का ए एक्स और अपॉन में ए प्लस का वाई और डी वाई, तब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को हम और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स ए डी एक्स को हम इधर ले आते हैं, तो डी जेड माइनस का ए डी एक्स आएगा इक्वल टू वाई जेड माइनस का ए एक्स अपॉन ए प्लस का वाई और डी वाई। अब हम जेड माइनस ए एक्स को इधर ले आते हैं, तो डी जेड माइनस का ए डी एक्स अपॉन में आएगा जेड माइनस का ए एक्स इक्वल टू वाई अपॉन ए प्लस का वाई और डी वाई। अब हमारे पास वाई के टर्म एक साइड हो गए और जेड के टर्म एक साइड हो गए।
तो यहाँ से फ्रेंड्स इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ हम लेट करके चलते हैं, लेट यू इक्वल टू जेड माइनस का ए एक्स, यू इक्वल टू जेड माइनस का ए एक्स लेकर चलेंगे। तो यहाँ से अब हम डी यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो डी यू इक्वल टू डी जेड माइनस का ए डी एक्स आ जाएगा। तो इन वैल्यूज का हम यूज करेंगे, तो डी जेड माइनस ए डी एक्स इक्वल टू हम डी यू लिख सकते हैं, और अपॉन में जेड माइनस ए एक्स इक्वल टू यू लिख सकते हैं। अब इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा इधर, बाई अपॉन ए प्लस का बाई और डी वाई, तो इसे हम इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके इसे लिख सकते हैं, डी यू अपॉन यू, और इसे इधर लाएंगे तो माइनस का डी वाई और प्लस का ए अपॉन ए प्लस बाई और डी वाई। तो इसे फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से लिख लिया है, माइनस का डी वाई प्लस का ए अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ हमारा वन इंटू डी वाई, यहाँ देखेंगे तो माइनस का वन प्लस का ए अपॉन ए प्लस वाई और डी वाई, इस तरह से हो जाएगा। इसे सॉल्व करके देखेंगे तो माइनस का ए माइनस का वाई प्लस का ए और अपॉन में ए प्लस वाई, तो ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का वाई अपॉन ए प्लस वाई और डी वाई। इस टर्म को हम इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यही वाला टर्म आ रहा है, इसे हमने टू टर्म में लिख लिया। तो इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तब हमारा आया था इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी यू अपॉन यू माइनस का डी वाई प्लस का ए अपॉन ए प्लस का वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आई थी हमारी। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग पी गेट। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन यू का हमारा लॉग यू हो जाएगा, और माइनस वन इंटू डी वाई का वाई हो जाएगा, तो माइनस का वाई प्लस का वन अपॉन ए प्लस वाई का, ए हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ए लॉग ए प्लस वाई हो जाएगा। अभी इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसे मान लेते हैं लॉग बी, क्योंकि ए हम पहले ही लेट कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाती है, बाई को हम उस साइड ले आएंगे और लॉग को इधर ले आएंगे। तो यहाँ से देखेंगे लॉग यू प्लस का ए, ए हमारा इधर आ जाएगा, यहाँ से ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए प्लस बाई की होल पावर ए हो जाएगी। जब लॉग एम की पावर एन होता तो इसे हम एन लॉग एम लिख लेते हैं, तो उसी तरह से हमारा ए इधर पावर में आ जाएगा, और माइनस का लॉग बी इक्वल टू बाई को हम इधर ले आते हैं, तब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ इन दोनों में, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लॉग यू इंटू ए प्लस बाई की पावर ए ये आ जाएगा, और माइनस का लॉग बी इक्वल टू बाई। तो यहाँ अब हम लॉग की प्रॉपर्टी और अप्लाई करते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है तो इसे हम लॉग एम अपॉन एन लिखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, लॉग यू इंटू ए प्लस बाई की पावर ए अपॉन भी लिख सकते हैं इक्वल टू बाई। यहाँ से लॉग को हम रिमूव करेंगे, तो लॉग को रिमूव करेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है यू इंटू ए प्लस बाई की पावर ए अपॉन बी इक्वल टू ए की पावर बाई, और बी हमारा इधर आ गया अपॉन में, तो बी को भी हम उस साइड ले जाते हैं। तो इधर से देखेंगे हमारे पास आ गया यू इंटू ए प्लस बाई की पावर ए इक्वल टू बी इंटू ई की पावर बाई। अब u की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो u की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे u इक्वल टू हम लेकर चले थे z माइनस का ए एक्स और इंटू ए प्लस बाई की पावर ए इक्वल टू बी इंटू ए की पावर बाई। इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे इम्प्लाइज करके लिखेंगे z माइनस का ए एक्स इक्वल टू बी इंटू ए की पावर बाई, ये हमारा अपॉन में आ जाएगा ए प्लस बाई की पावर ए। इतना ही रहने देते हैं या फिर इसे और सॉल्व करके लिखते हैं, जेड माइनस का ए एक्स इक्वल टू बी इंटू ई की पावर बाई और इंटू इसे ऊपर ले आएंगे तो ए प्लस बाई की पावर
माइनस ए हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। तो फ्रेंड्स चार पीट्स मेथड के द्वारा क्वेश्चन को हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।